हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बस्तर वाले और मैं रितेश कुमार। आज मैं यहाँ बस्तर के दक्षिणी ज़िले दंतेवाड़ा में बचेली के पास एक गांव पे आया हुआ हूँ। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ इस मानसून के मौसम में कैसे खेती की जाती है। हमारे सामने एक किसान भाई हैं जो कि धान को ज़मीन पे छींटते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ये किसान भाई यहाँ धान की छिड़काव कर रहे हैं। यहाँ रोपाई नहीं किया जाता है क्योंकि इन्होंने बताया कि ये मरहान एरिया जहाँ पानी नहीं रुकता है वो ऐसा एरिया है, तो यहाँ सीधे हाथों के द्वारा ही धान का छिड़काव किया जाता है। अगले 2-4 दिन में ये धान अंकुरित हो जाएगा। हाँ शंकर जी, इधर आएंगे, आप ये बताएंगे जो आप धान डाल रहे हैं ये इसका कौन सा प्रकार है और क्या नाम है बताएंगे। सर इसका तो हिंदी में बोले तो इसका मुझे नाम तो नहीं पता। हाँ लेकिन गोंडी में आप? हाँ गोंडी में इसका नाम है, जिसको हम लोग इसको आटिया धान बोलते हैं। आटिया धान। हाँ और ये मोटा रहता है? हाँ मोटा रहता है, दिखाएंगे जरा। हाँ। मोटा रहता है। हाँ। और इस धान का जो है आप छिड़काव सिर्फ ये मरहान जो खेत है? हाँ, हाँ। इसी खेत में करते हो? हाँ जहाँ पे कम नमी रहता है। हाँ उस जगह पे हम इसको बोते हैं। और तो यहाँ कम नमी वाले एरिया में ये धान काफ़ी अच्छा होता है? हाँ अच्छा होता है। ये क्या है कि जो धान खेत में बोते हैं हाँ उससे पहले ये हो जाए, इसका ये पहले बढ़ जाता है। हाँ। और जो खेत में बोते हैं जहाँ पानी रुकता है वहाँ कौन सा पतला धान डालते हैं? हाँ, पतला जिस उसको उसका उसका भी नाम है गोंडी में। क्या नाम है? चूड़ी बोलते हैं। चूड़ी? चूड़ी धान। चूड़ी धान। हाँ तो दोनों में टेस्ट किसका ज़्यादा? टेस्ट उसका अच्छा रहता है। उसका उसका चावल, उसका चावल भी थोड़ा लंबा लंबा आता है, इसका वही छोटा। तो ये बीज के लिए जो खेत खेत में डालने के लिए जो धान बचा कर रखें ये पिछले कितने सालों का है? एक साल का है। पिछले एक साल का है। गया साल का है। गया साल का। तो आपका खेती बाड़ी में कितना हो जाता है वैसे, एक एकड़ में कितना निकल जाता है धान, कुछ आइडिया है? जब अच्छा जिसका जब अच्छा फसल होता है उस टाइम अच्छा मिलता है। अच्छा मिल जाता है। तो आप घर में खाने के बचाने के अलावा उस धान को बिक्री करते हैं? हाँ बेच देते हैं लेम्स में, बांसी अपना लेम्स में बेच देते हैं। ठीक है शंकर भाई, आप अपने खेत में धान का छिड़काव करिए, फिर हम मिलेंगे। ओके सर। ठीक है। हाय फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।